तबे पश्चिमबंग बासी वर्तमान भोट देउछन्ति आठटी पर्यायर निर्वाचन चलीछ आठटी पर्यायर इलेक्शन हेबो किंतु वर्तमान सुधा चतुर्थ पर्याय निर्वाचन शेष होईछ एवं गतकाली मध्य एक बूथ रु हिंसार चित्र सामना को आसीथिला। तबे वर्तमान पश्चिमबंगवासी चारोटी भोट दे सारिछन्ति चतुर्थ पर्याय भोट दे सारिछन्ति आउ चारोटी पर्याय भोट रहिछे। तबे यहारे मध्यरे भोटर को मूड कोन कहुछि भोटर माने केउ प्रार्थी देखि भोट दउछन्ति ना दलीय चिन्ह देखि भोट दउछन्ति ए सब विषयरे आम आपनको टेक्निक अपडेट दे आसीछु। तबे एबे मध्य आमे जिबा जे प्रकृतरे आउ जेहेतु हातरे चारोटी पर्याय भोट रहिछि केउ स्थानरे भोट सरिलाणी आउ केउठारे बाकी रहिछि एवं वर्तमान कहीं गत काली जो हिंसार चित्र सामना को आसीथिला जदियो स्पष्ट होइनी केउ स्थानरे एवं केउ कारणरु हिंसा देखिबाक मिलथिला किंतु कोटनाकोटी सबु थर भली चलित थर मध्य गोटे कोटनाकोटी हिंसा सामना को आसीछि। ए संपर्क रे आलोचना करबा सीधा सळख पश्चिमबंगरु आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र आम सहित जोड़ी होती। प्रदीप्त जदि कहबा जे चतुर्थ पर्याय निर्वाचन सरिलाणी एवं आउ चारोटी पर्याय रहिछि एवं भोटर को मूड कौन कौचे कहीं पश्चिमबंगवासी अनेक हिंसा को सामना करिसेंति गत काली मध्य समान स्थिति देखा मिलता लोकों मूड कौन कौचे भाव में निवेदिता आप जो कथा कहले चारोटी पर्याय निर्वाचन शेष हो जाए आउ चारोटी पर्याय बाकी अच्छी आसंता 17 तारीख दिन भोट ग्रहण अच्छी तापर 22 तारीख तापर 26 और 29 तारीख दिन भोट ग्रहण शेष हो। तबे गत जो आम विगत चारोटी पर्याय निर्वाचन देखिले किसी जगार हिंसा घटला किसी जगार शांतिपूर्ण भाव निर्वाचन है जमी आम देखिले कुचबेहर अंचल गत काली गुलिकाण्ड हो कि पाखापाखि पांच जनकर मृत्यु होता। तबे वर्तमान आम आसिकी पहुँचीछू कोलकाता पोर्ट निर्वाचन मंडली एवं एठाकार भोटर एठाकार बासिंदा आम पाखे अच्छा सहित आम आलोचना करवा एठार किपर तर मुड कौन कहूँ से मैंने कौन चाहूँ अंचल किपर नेता दरकार जीए एठार विधायक थे पूर्वर जीए नगर उन्नयन मंत्री थे अंचल टीएमसी लिडर तांको विषय में आलोचना करवा सहित एठारे केमी टक्कर चली तीन दल भितर कांग्रेस कहवा बीजेपी कहवा टीएमसी कहवा से विषय आलोचना करवा। तो पहले तो जी आपका नाम क्या है? प्रदीप ओझा। प्रदीप ओझा जी, प्रदीप जी यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं अभी परिस्थिति कैसी है? मतलब पहले तो टीएमसी गवर्नमेंट 2011 से शुरू हुआ 2011 उसके बाद 2016 अभी फिर से 2021 में यहाँ पे चुनाव हो रहा है अब यहाँ पे की परिस्थिति कैसी है? 2011 में जो हुआ ममता बनर्जी लीड की थी यहाँ से सीएम का पद ली तृणमूल कांग्रेस का सरकार बना उसके बाद दूसरे बार भी हुआ था ममता बनर्जी का तीसरे बार जो हुआ था जातिवाद मुद्दा पहले उठाया बीजेपी वाले ने राम मुद्दा वो भी मुद्दा खत्म होने के बाद वल्लभ भाई पटेल ग्राउंड था वहाँ पे देशभक्ति का ढिडोरा पीटते हुए मोदी जी नरेंद्र मोदी जी ढिडोरा पीट रहे देशभक्त है देशभक्त है। कलकत्ता का जब चुनाव आया तो रविंद्रनाथ टैगोर का रूप धारण कर लिए तो जो स्टेट में जो अगर इलेक्शन हो रहा उस स्टेट का किसी व्यक्ति का प्रश्न हाँ उनका रूप धारण कर रहे तो हालांकि जहाँ पे ग्राउंड अगर चेंज था अगर देशभक्ति उनके मन में था वहाँ पे नरेंद्र मोदी के जगह पे अगर रख सकते भगत सिंह अगर रखते अस्फुटला खान तो समझ में आता कि हाँ देशभक्ति उनके मन में देशभक्त का नाम वो पर्सनल अपना रखने यानी जातिवाद करके पर्सनल अपना उल्लू सीधा कर रहे पर्सनली अगर देखा जाए तो राजनीति करके भाईचारगी को ख़राब कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ा रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे हैं। और रहा यहाँ का प्रत्याशी तो यहाँ पे कोई दमी नहीं है पोस्ट कंटेंसी में क्योंकि जनाब फिराद हाकिम इतना डेवलपमेंट इतना विकास इतना रोजगार दे चुके हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होगा हम उन्नयन मंत्री रहे मेयर ऑफ कलकत्ता है साथ ही साथ यहाँ के MLA हैं तो उनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी अगर खड़ा हो किसी भी पार्टी का तो कोई भी जीतेगा नहीं 110% वही एक तरफा लीड कर रहे हैं बस दिल को तसल्ली देने के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहा अगेंस्ट कैंडिडेट जो भी हैं पर यहाँ पे कोई फाइट ही नहीं है और सब बोल खेला हो हम लोग जो बोलते हैं खेला पहले ही हो चुका है जिस दिन पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का कैंडिडेट घोषित हुए उनको यहाँ के प्रत्याशी कोई जानते ही नहीं है वो घर से कभी निकले ही नहीं है कोरोना काल का इतना बुरा समय चला उसमें कहाँ थे बीजेपी के बीजेपी और कांग्रेस या CPI का कोई दबदबा नहीं है। ठीक है सर तो अभी हम और भी आलोचना कर तो आप यहाँ पे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे मतलब जाने माने लोग हैं तो यहाँ पे तो पिछले बार भी आप बहुत बार वोट दे चुके हैं होंगे यहाँ पे अभी 26 तारीख को फिर से चुनाव होगा तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बहुत सारे मंदिर बने हैं रास्ता है दुकान है तो यहाँ पे लोग मतलब उनका जीविका क्या है वो कैसे मतलब अपना गुजारा करते हैं
और अभी आपको क्या आशाएं हैं इस चुनाव को लेकर? हमारे जब से यहाँ बोबी आए ना, तो आपको ये हम लोग का पोर्ट इलाका में मंदिर का काम, राजबाड़ी का मंदिर जो छठ पर्व होता है, बहुत कचरा था। बोबीदा का आने से बहुत सफाई सुथरा करा के आपका हम लोग का छठ पर्व जो है दो बेरा होता है, चैत पर्व होता है या एक ठो आपका कार्तिक पर्व होता है। इसमें हम लोग का पूरा इलाका का बोबीदा का आशीर्वाद है कि वहाँ पर जाके हम लोग सब छठ पर्व करते हैं। उसके बाद में आपका भोज कैलाश मैदान है, अगर बोबीदा नहीं रहने से वो भोज कैलाश मैदान में पूरा राजबाड़ी बेच के उसको घर बना देता। बाकी बोबीदा का यहाँ रहने से वो मैदान में हम लोग का इलाका का जितना लड़का है खेल कूद करना सब कुछ करना हम लोग का यहाँ का मोटा मोटी यहाँ के लोगों के बारे में बोबीदा सोचते हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो सर आप क्या बोलेंगे? अभी तो पूरा पूरा बंगाल हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही जो जो चुनाव की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस और सीपीआई थोड़ा पीछे ही रह गए हैं। तो यहाँ पे कितना देख रहे हैं आप दबदबा? टीएमसी के जो लीडर हैं वो यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं, वो मेयर भी थे भैया बोल रहे थे कोलकाता में, तो यहाँ पे कैसा है माहौल? माहौल हम लोगों का बहुत बढ़िया है यहाँ। हम लोग पूरे तरह से अपने जो हमारे यहाँ के उन्नयन मंत्री, शहरी विकास मंत्री जो फिराद हकीम हैं, उनके हम लोग दिल में, हमारे दिल में वो रहते हैं और हर जितने हम लोग हैं सबके हम लोगों के दिल में रहते हैं। कोई ऐसा काम आज तक अधूरा नहीं रहा, जो भी हम लोगों ने चाहा वो किए हम लोगों के लिए। हम लोगों का ये देखिए मंदिर, बहुत सदियों का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, इसका भी हम लोगों का निर्माण देखिए। ये हमारा नागाबाव जो मंदिर है, ये मंदिर हमारा निर्माण देखिए चल रहा है। आपका ये आपका जगन्नाथ मंदिर देख लिए, इनमें भी उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। ये महाकालेश्वर देख लीजिए, बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे तो बताते ही रह जाएंगे। किसी चीज़ सब कब से है यहाँ? हम लोग उनसे बहुत खुश हैं और हम लोग उनको यहाँ से ज़्यादा भारी मतों से उनको यहाँ से विजयी बनाएंगे और फिर उसी सीट पर उनको बैठाएंगे जहाँ वो थे। बस हम यही बोलेंगे। निवेदन में आलोचना करते हैं, जड़े मध्य भूतर अच्छा जी क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ पे तो सबका वही मतलब उनका मन बना है, वो सब जो रबीदा हैं, मतलब यहाँ पे जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं उनको ही वोट देंगे, उनको ही जिताएंगे, आपके मतलब क्या? हम लोग उन्हीं का पार्टी में हैं। रबीदा बहुत अच्छे काम किए हैं, देखिए बगल में नया नया सब हॉस्पिटल हो रहा है, 79 अस्पताल बना रहे रबीदा, उसमें सबका यहाँ इलाज पिलाज सब होगा और अच्छे काम किए हैं, उनको हम लोग वोट देंगे यहाँ से और यहाँ से विजयी बनाएंगे। मतलब स्कूल कॉलेजेस कितने मतलब है? स्कूल यही बगल में है, ये तो ज्ञान भास्कर स्कूल है कि बोबीदा का ये है देन है कि यहाँ पर, और इंग्लिश हिंदी बच्चा लोग का सब चल रहा है। यहाँ पर बोबीदा बहुत काम किए हुए हैं बगल में, और आपको हम लोग का जो क्षेत्र है बोबीदा को छोटा मोटा प्रोग्राम, हेवी प्रोग्राम जो भी हो उनको हम लोग फोन करते हैं तो घर घर में आके जरूर आते हैं। हाँ, जो भी प्रोग्राम करें, हाँ जो भी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम करेंगे हम लोग बोबीदा को फोन करने से आएंगे और जरूर एक घंटा सूचना चली गई। वो तृणमूल दल में है और तृणमूल में ही लोगों के साथ भी रहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस के हम लोग कर्मी हैं या तृणमूल कांग्रेस को लाइक करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस वहाँ अगर जाता है, अगर गड्ढा गुड्ढी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कॉर्पोरेशन का अंडर का जो भी प्रॉब्लम, डेवलपमेंट का बात हो या रोजगार का बात है, तो वो ये नहीं पूछते कि तुम तृणमूल करते हो। वो अगर देखते हैं हालात ख़राब है, उनको रोजगार का जरूरत है तो रोजगार मिलता है। अगर किसी डेवलपमेंट का काम है और एरिया का लेके कंप्लेन लेकर जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि जो मेरे पास आया है वो तृणमूल का बंदा है कि CPM का कि BJP का। इलाका का डेवलपमेंट वो चाहते हैं, पर्सनली किसी बंदे को डेवलपमेंट नहीं करते हैं, इस इलाका का डेवलप करते हैं। और रहा जो BJP वाला इतना मुद्दा बनाता है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा की, तो मोदी जी से तह दिल से गुजारिश रहेगा एक बार खिद्रीपुर में आए और हिंदू मुस्लिम का मिसाल को देखे कि बॉबी हकीम एक मुसलमान होके और हिंदू का मंदिर पे मंदिर बनाया जा रहा है। ये नागा बाबा जो शिव मंदिर बनाया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हम हैं, यहाँ के सभी लगभग चाहने वाले उनके, बॉबी हकीम के, उनके निर्देश अनुसार ही मंदिर का काम हो रहा और उनके शुभ हाथों द्वारा ही इस मंदिर का उद्घाटन होगा। जितना ये क्रेडिट जाता है यहाँ का डेवलपमेंट का, दैट टोटल गोज टू जनाब फिराद हकीम साहब, और उनके तुलना में यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, एकमात्र सच्चा सॉफ्ट हार्ट पर्सन। और आमको
पश्चिमबंगवासीर रियाक्शन शुणाऊ जहां से आम प्रार्थी देखी भोट देखु जो मैंने विकास करें से प्रार्थी देखी भोट देवु कहीं बर्तमान सुधा चारोटी पर्याय निर्वाचन शेष हो सारी जेहेतु आठटी पर्याय निर्वाचन रही है हाथ में चारोटी पर्याय रही प्रकृत में चारोटी पर्याय प्रकृत में पश्चिमबंगवासी क्या भोट देते आसंता चारोटी पर्याय जो निर्वाचन रही है एने क्या जयजुक्त करते रिजल्ट प्रकाश होते हेत स्पष्ट होगा।